हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 का यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में टोटल कितने लेसन्स हैं, उन लेसन्स के बेसिस पे किस तरह के टॉपिक्स बन सकते हैं, उन टॉपिक के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक टोटल ये सिलेक्टिव बेस्ड स्टडी का तरीका होने वाला है इस वीडियो के थ्रू। शॉर्ट वीडियो होगा, इसका बेनिफिट ये है कि आपका एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, 7-8 दिसंबर से ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज 22 नवंबर हो चुका है, टाइम कम है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर में अगर हमें स्टडी करना है तो अगर हमें सेलेक्टिव स्टडी करें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें वही पढ़ें तो उससे हम नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो इन वीडियो के थ्रू हमें ये बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर में, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में ये चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए, नंबर अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6, सबसे पहले हम बात करें यूनिट 6 के नाम की, तो उपनिवेशवाद तथा पर्यावरण, इसके अंदर में हम बात करेंगे। तो अब ये पूरा टाइम पीरियड जो है उपनिवेशवाद का है, जब हम ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हम कब बने, ठीक है, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने, ठीक है, महारानी ने। तो कब हम बने थे गुलाम, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। तो उपनिवेशवाद का पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पीरियड में पर्यावरण किस प्रकार का था, ठीक है, पर्यावरण की स्थिति किस प्रकार की थी, क्या क्या चीज़ें की गई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 18, जिसके अंदर में हम बात करते हैं पर्यावरण का बोध, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली हम डिस्कस करें तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी इस टाइम पीरियड के अंदर में, जैसे ही अंग्रेज हमारे भारत के अंदर में आए तो धीरे धीरे विकसित हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या, जहाँ पर हम विकसित हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो इंडस्ट्रीज बनाते समय हमें कई तरह की चीज़ों की जरूरत थी, तो जिसके लिए हमने पर्यावरण पर निर्भरता बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंसी बढ़ा दी, ठीक है। किस तरह से, हमें लकड़ की जरूरत है नाव बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, पर्यावरण का दोहन काटना शुरू किया, एकदम पर्यावरण को आँख बंद करके काटना शुरू किया। लोगों की आबादी बढ़ रही है तो उसको खेती भी तो करेंगे, कृषि करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो हमने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया जिससे हम खेती के लिए ज़मीन बना सकें, ठीक है। लोग घर बना रहे, मकान बना रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़मीन को चाहिए, तो उसके लिए जंगलों को काटना शुरू किया। पेड़ पौधे घर में यूज़ होने वाले जो लकड़ हैं उसके लिए क्या चाहिए, जंगल की ज़रूरत है, तो उसको हमने काटना शुरू किया। तो वहाँ पे औपनिवेशिक टाइम में, औपनिवेशिक क्रांति में पर्यावरण किस प्रकार का था, ये आप बताओगे। साथ साथ में यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर में एक दूसरा टॉपिक भी जुड़ जाता है कि औपनिवेशिक काल के अंदर में, ये तो औद्योगिक क्रांति वाला काल आ गया, एक आ गया औपनिवेशिक काल के अंदर में पर्यावरण किस प्रकार का था, वो बताइए। तो औपनिवेशिक काल में क्या, जब अंग्रेज सब हमारे भारत में आए तो किस तरह से वो यूज़ कर रहे थे, कई जगह पर वो अपने आप को विकसित करने के लिए भारत से लकड़ ले जाते थे, वहाँ पर अपना जाके बनाते थे, ठीक है। भारत के अंदर में कई सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करी उन्होंने, तो वो किस तरह से, रेलवे का विकास हुआ, रेलवे के स्लीपर बर्थ बनाने के लिए लकड़ों का उपयोग किया गया, तो किस तरह से काटा गया जंगलों को, क्या रीज़न से, वो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। क्वेश्चन दोनों को मिलाकर आता है कि औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशिक काल के अंदर में पर्यावरण का बोध किस प्रकार से रहा, ठीक है, उसका परिप्रेक्ष्य दीजिए क्या रहा, पूरा विस्तार से बताइए, उस चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे और नंबर अच्छे मिलते हैं, यही टॉपिक रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। कई बार दोनों को अलग अलग भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग भी बता दिया, और दोनों को एक बार भी पूछा जाता है तो वो भी आप यहाँ पर बता दोगे। चैप्टर नंबर 19 की बात करूं, जो अगला हमारा चैप्टर है, इसके अंदर में हम बात करते हैं कि पर्यावरण कार्य सूची क्या है, पर्यावरण का किस तरह से उपयोग किया जाता है, किस तरह से इसकी कार्य सूची है। तो नॉर्मली यहाँ पे देखोगे, जब अंग्रेज सब आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, वन नीति का निर्माण किया, ठीक है, किस तरह से जंगलों का दोहन करना है उसके लिए नीति बनाई उन्होंने, वन नीति बनाई जंगलों की दोहन के लिए। वन नीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, तो भारत के अंदर में चीज़ें अलग थी, भारत के अंदर में जो कुछ परसेंट की आबादी थी वो वनों में ही रहती थी, जंगलों में रहती थी, जिससे हम वनवासी कहते हैं, आज के समय में जंगलवासी वनवासी के तौर पर हम जानते हैं, वन में रहने वाले को वनवासी, ठीक है। तो वो वन में रहते थे, अब जब जंगल में जाते थे अंग्रेज जंग पेड़ काटने के लिए, तो उनसे आपस में संघर्ष होता था, संघर्ष के कई बार देखे जाते थे, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, ठीक है। तो उसके कारण से क्या किया, वनों को लेकर वन नीति का निर्माण किया गया डलहौजी के द्वारा, ठीक है। और उसके कारण से क्या हुआ कि वनों को काटने पर रोक लगा दिया गया, जनजातीय उपयोग पर रोक लगा दिया गया कि वो यूज़ का यूज़ नहीं कर सकते, वन पे काटने पर रोक लगाया गया, पर अंग्रेज काट सकते थे बाकी नहीं काट सकते। पहले वनों का जो अधिकार था अलग अलग लोगों के पास में था, जैसे जंगल वाले जो हैं जंगलों पे उनका अधिकार होता था, पर क्या किया गया अंग्रेजों के बाद सारा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गया, तो किस प्रकार से चीज़ें बदली वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन तथा वन, ठीक है। यहाँ पे संसाधन प्रबंधन और वन के बारे में बात करो, तो औपनिवेशिक भारत के अंदर में वन संसाधन किस प्रकार के थे, ठीक है, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे तो वहाँ पे कौन कौन से वन संसाधन थे, कौन कौन से वन संसाधन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कौन कौन से वन संसाधन से मतलब ये है कि किस तरह से वन संसाधनों का उपयोग हुआ, ठीक है। अब देखो,
भारत भी बढ़ रहा था, भारत भी विकसित हो रहा था, तो भारत के लोगों की भी कुछ जरूरतें थी वनों को लेकर। ठीक है, भारत में भी दो वर्ग में बंटा हुआ था, एक तो वो जो जंगलों में रह रहे हैं उनकी जरूरतें कुछ अलग है, दूसरा वो वर्ग जो विकसित हो रहा था उसकी जंगलों से निर्भरता कुछ अलग थी, वनों पर निर्भरता कुछ अलग थी, तो वो जरूरतें थी। और दूसरा वर्ग ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो यहाँ से वनों का दोहन कर रहा था, तो उनकी भी कुछ अपनी जरूरतें थी। तो किस तरह से यहाँ पे भारत के अंदर में वनों की स्थिति रही वो आप यहाँ पे बताओगे अपने विषय काल के अंदर में। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और ऊपर में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था वन नीति के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा वन नीति किस प्रकार की थी, तो ये बताओगे। तो वन नीति मतलब नॉर्मली क्या रहा, तो जैसे जंगल में जो रहने वाले वनवासी थे उनसे आपस में संघर्ष होता था अंग्रेजों का, उसको देखते हुए वन नीति का निर्माण किया गया, वन नीति की आवश्यकता समझी गई और उसको वन नीति लाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे वन नीति को डिफाइन करके लिखोगे और अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर अच्छे से आप लिखते हो तो। एक चीज़ याद रखना, कई बार पीछे कमेंट में बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें एक आंसर को कितने पेज में लिखना है, तो आपको पेज में नहीं लिखना होता है, यहाँ पे ओनली आपको 500 वर्ड के अंदर में इसका आंसर लिखना होता है, तो आप सिर्फ उसके हिसाब से आंसर सोचोगे, उसके हिसाब से आंसर लिखोगे, और एग्जाम से पहले एक बार प्रिपेयर करना लिखने का। ठीक है, क्योंकि अचानक से अगर आप लिखने के लिए जाओगे ना 3 घंटे में नॉन स्टॉप लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो घर पर प्रिपेयर करके देखो फिर उसके बाद जाओ एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है 21वां, जिसके अंदर हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन तथा जल के बारे में। जल को किस तरह से प्रबंधन किया गया, संसाधन प्रबंधन है क्या, किस तरह से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो टॉपिक बनते हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो ये रहता है कि पूर्व औपनिवेशिक काल में, मतलब उपनिवेशिक काल आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले किस तरह से जल प्रबंधन होता था। तो जल प्रबंधन के लिए क्या करते थे, जो आम लोग थे वो कुएं खोदा करते थे, जल वो जो भूमिगत जल होता था उस पर निर्भरता रहती थी, बारिश का पानी है उसके लिए गड्ढा मार दिया कहीं पे, उसमें इकट्ठा कर लिया। ठीक है, या फिर नदी नालों का जो होता था उसको बांध बनाकर रोक लिया, इस तरह से चीज़ें की जाती थी। पर जब उपनिवेशिक काल के बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने भी देखा भैया ये तो बड़ा प्रॉब्लम है जल को लेकर, जल प्रबंधन करना पड़ेगा क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने किस तरह से चीज़ें चेंजेस करी, क्या जल प्रबंधन के लिए नए नए चीज़ें उपयोग किए गए, बांध बनाए गए, ठीक है, पुल बनाए गए, तो किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता था उसको आप यहाँ पे दिखाओगे बताओगे। ठीक है, तो वो चीजें यहां पे रहेंगी। ठीक है, समझ में आता है। यहां पे अगला टॉपिक रहता है कि अंतरराज्यीय जो जल विवाद होते हैं, जल विवाद, विवाद, जल विवाद क्या है। अब मान लो एक राज्य दिल्ली से लेकर पानी जा रहा है हरियाणा, या हरियाणा से पानी दिल्ली आ रहा है, पीछे भी एग्जांपल मैंने दिया था वाला। ठीक है, हरियाणा से पानी कहाँ आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली ये रहा, हरियाणा ये रहा, यहाँ से पानी ऐसे दिल्ली में आ रहा है। तो भाई हरियाणा वाले ने क्या क्या सोचा कि यार थोड़ा सा पानी मैं रख लेता हूँ क्योंकि मेरा यूज ज़्यादा है, मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरा जमीन ज़्यादा है, दिल्ली में क्या छोटा सा जमीन है, छोटा सा दिल्ली है, तो उसने पानी रोक लिया। तो दिल्ली के जो सरकार है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, ऑब्जेक्शन करेगी, भैया हमारे लोगों को पानी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि हम पानी पे तो निर्भर उसी पे हैं। ठीक है, भले हम उसको फिल्टर करके पी रहे हैं पर निर्भरता तो हम उसी पे हैं। तो इस तरीके से जो आपसी विवाद का संघर्ष रहता है भारत के अंदर में, कई सारे राज्यों के अंदर में इस तरह के विवाद के संघर्ष है, और भारत के अंदर में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के विवाद के संघर्ष है। आपको कई बार पाकिस्तान और इंडिया के जल विवाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह से जल विवाद लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राज्यीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो किस तरह से ये जल विवाद होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, कौन कौन सा जल विवाद है, किस तरह से उसका निपटारा किया जा सकता है, पूरा अच्छे से डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़िए, वहाँ से आप उसको बता सकते हो। तो ये दो टॉपिक रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पर कुछ डाउट है, कोई लगता है टॉपिक मैंने छोड़ दिया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक को मैं अलग से क्लियर कर दूंगा। बट आप सभी स्टूडेंट के लिए एक सजेशन रहेगा कि अगर आप एमए हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दी ई नथ चैनल के ऊपर में एमए हिस्ट्री के MHI 01 से लेकर MHI 010 तक के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लास्ट 5 साल की वीडियो डाली गई है क्वेश्चन पेपर की, जिसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया गया है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और भी बतेरे वीडियोस डाली गई हैं, तो उसको देखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और आप अच्छे नंबर ला सकते हो उस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, 0.1% भी आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है, आपके लिए यूजफुल है, वैल्यूबल है वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं वीडियो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।